हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल नीट बायोलॉजी। और बेटा आज हम स्टार्ट करेंगे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 में हमने जो बताया था आपको कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कितने तरीके होते हैं, जिसमें हमने बताया था आपको बाइनरी फिजन बताया था, बर्डिंग और स्पोरुलेशन, फ्रेगमेंटेशन एंड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो अब हम आज से शुरू करते हैं बाइनरी फिजन। क्या होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बाइनरी फिजन? बाइनरी फिजन का मतलब, बाइनरी का मतलब है, फिजन का मतलब टूटना और बाइनरी मतलब दो भागों में टूट जाना। कहने का मतलब सेपरेशन ऑफ एन इंडिविजुअल इनटू टू इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल का सेपरेशन हो जाए दो इंडिविजुअल में, बाइनरी फिजन कहलाता है। इसका एग्जांपल एनसीईआरटी ने अमीबा दे रखा है, और अमीबा का एक सुंदर सा बढ़िया सा फिगर हम बना के समझाया आपको। क्या बनाया, ये देखिए ऐसे अमीबा है ये, और ये अमीबा है। अमीबा का ये एक न्यूक्लियस उसमें बना है, अमीबा का ये है न्यूक्लियस। अब इस अमीबा में ग्रोथ होती है, दूसरा डायग्राम ऐसे बना है, ठीक है ना बेटा, ऐसे बना है। और ये न्यूक्लियस देखिए ये ऐसे बना हुआ है। आप एनसीईआरटी खोल दीजिए, फिगर आपको मिलेगा। फिर क्या हुआ, तीसरे डायग्राम में दिखाया है कि ये अमीबा के अंदर ये डिवीजन शुरू हो गया, ये अमीबा और ये न्यूक्लियस, दोनों के दो न्यूक्लियस बन गए, अलग न्यूक्लियस हो गया, ये अलग हो गया, ऐसे डायग्राम है ना बेटा। फिर इसके बाद इससे क्या हुआ, दोनों सेपरेट हो गए और एक अमीबा से दो डॉटर अमीबा बन गए। अब डॉटर अमीबा क्यों, सन अमीबा क्यों नहीं लिखते हैं? डॉटर अमीबा का मतलब बने बेटा फीमेल ही बर्थ करेगी ना, इसलिए उसको फीमेल बर्थ करती है तो डॉटर अमीबा कहते हैं। तो ये बाइनरी फिजन है। तो सिंपल सा एग्जांपल है बाइनरी फिजन का, अमीबा जो आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है। और एक चीज और नोट कर लीजिए, मेनी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस्ड बाइनरी फिजन। ज्यादातर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो बाइनरी फिजन के द्वारा ही रिप्रोड्यूस करते हैं। और सेल डिवीजन इज इटसेल्फ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, इनका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो है वो सेल डिवीजन होता है। तो हमें बात समझ में आई बाइनरी फिजन की। अब एनसीईआरटी में सिर्फ इतना दे रखा है, लेकिन हम नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो थोड़ी चीजें और समझ लेते हैं। जो बाइनरी फिजन होता है बेटा, ये तीन प्रकार का होता है। एक हमें देखने को, एक है सिंपल बाइनरी फिजन, ठीक है ना, एक सिंपल बाइनरी फिजन। एक होता है बेटा लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन, लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन। और एक होता है ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। तीन प्रकार का बाइनरी फिजन देखने को मिलता है। अब जो ये सिंपल बाइनरी फिजन है, ये हमें देखने को मिलता है अमीबा में, बैक्टीरिया में। और ये देखिए जो बना हुआ है, ये सिंपल बाइनरी फिजन का एग्जांपल है। दूसरा जो है लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन जो है वो देखने को मिलता है यूग्लिना के अंदर। इसको मिटाते हैं बेटा, देखते हैं जो लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन है, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन हमें यूग्लिना में देखने को मिलता है। यूग्लिना आपको याद है ना, ऐसे ये फिगर यूग्लिना का, ये यूग्लिना है और यूग्लिना के अंदर हमें लॉन्गिट्यूडनल ये ऐसे डिवाइड होता है, ये लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन होता है यूग्लिना के अंदर। तीसरा जो है ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। अब ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन का एग्जांपल बेटा होता है प्लैनेरिया, प्लैनेरिया देखिए ये ऐसे कुछ होता है प्लैनेरिया, प्लैनेरिया का फिगर मैं बना रहा हूं, ये है प्लैनेरिया। और प्लैनेरिया में क्या होता है कि ये ऐसे होता है ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स का मतलब ये प्लैनेरिया दो भागों में बढ़ गया। कैसे दो भागों में बढ़ गया, एक तो ये ऊपर वाला भाग ये ऐसे हो गया और ये नीचे वाला पोर्शन। अब क्या हुआ, इसमें से इसके ऊपर वाला हिस्सा बन जाएगा और इसके नीचे वाला हिस्सा बन जाएगा। तो ये प्लेनेरिया के अंदर हमें ट्रांसवर्स
बाइनरी फिजन देखने को मिलता है। एक एग्जांपल इसका पैरामीशियम, पैरामीशियम में भी हमको ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन देखने को मिलता है। मैं हट जाता हूं, आप चाहे तो फिगर बना लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आते हैं बडिंग पर, दूसरा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है बडिंग। ये हो गया बाइनरी फिजन। अब बडिंग क्या चीज होता है बेटा? बडिंग क्या चीज है? अब इसमें भी डिवीजन होता है, डिवीजन इसमें भी होता है, लेकिन डिवीजन जो है इसका अनइक्वल होता है। अनइक्वल डिवीजन बडिंग की खास बात होती है। स्मॉल बट प्रोड्यूस्ड ऑन पेरेंट सेल, जो पेरेंट सेल होती है, मान लीजिए ये पेरेंट सेल है, इसका भी डायग्राम एनसीईआरटी में बना है, ईस्ट का देखिए, पेरेंट सेल पर एक स्मॉल बड, एक और ग्रोथ निकल आती है, ये बड स्मॉल बड, पेरेंट सेल पर स्मॉल बड प्रोड्यूस हो जाती है। और एक चीज, कभी कभी ये बड बॉडी के आउटसाइड ग्रोथ करती है, आउटसाइड निकलेगी तो इसको एक्सटर्नल बडिंग कहेंगे, एक्सटर्नल बडिंग। और जब बॉडी के अंदर ग्रोथ निकलती है बट, तो उसको हम इंटरनल बडिंग कहते हैं। तो एक्सटर्नल बडिंग का एग्जांपल है ईस्ट, जो आपके एनसीईआरटी में दे रखा है। ईस्ट का एग्जांपल आपको एक्सटर्नल बडिंग का है, सैक्रोमाइसिस सेरेमिसी। ईस्ट में क्या होता है, ये देखिए ये बड बनी, और उसके बाद ये जब ग्रोथ हुई तो ये देखिए बड, और इसका जो न्यूक्लियस है ये ऐसे हो गया, फिर ये बड डिटैच हो जाती है, अलग हो जाती है, और अलग होने के बाद ये नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर देती है। तो ये सिंपल सा मेथड हो गया बडिंग का। तो ये बडिंग हमें ईस्ट में देखने को मिलती है, ये हो गया एक्सटर्नल बडिंग ईस्ट में। दूसरी चीज, एक एक्सटर्नल बडिंग का और एग्जांपल है बेटा हाइड्रा। हाइड्रा के अंदर भी हमें बडिंग देखने को मिलती है, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है हाइड्रा। ये देखिए हाइड्रा है, ये बचपन से देखते आए ना बेटा हाइड्रा, ऐसे ही तो होता है, ये हाइड्रा है। और हाइड्रा में क्या हुआ, एक्सटर्नल बडिंग, एक बडिंग बड बनना शुरू हुई, ये बड है, और फिर ये जो बड है ये डिटैच हो जाती है, अलग होकर के नया हाइड्रा प्रोड्यूस कर देती है। तो ये भी एक्सटर्नल बडिंग का एग्जांपल है। तो एक्सटर्नल बडिंग में ईस्ट और हाइड्रा हमें देखने को मिले, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तरीका है। फिर अब इंटरनल बडिंग क्या होती है, तो एनसीईआरटी में इसका भी डायग्राम बना है, आप देखिए कुछ ऐसे डायग्राम बना हुआ है। ये देखिए आप एनसीईआरटी में ऐसे डायग्राम बना है, और इसमें ये देखिए स्ट्रक्चर बने हैं, ये क्या है बेटा, इंटरनल बड्स है, इंटरनल बड्स है, और इनको कहते हैं जेब्यूल, ये ऐसे बने हैं सब, इनको बोलते हैं जेब्यूल। और जेब्यूल क्या होता है, ये इंटरनल बड है, ये क्या करते हैं, जेब्यूल जो है वो स्पेशल सेल्स होते हैं, और फेवरेबल कंडीशन आने पर ये रिप्रोड्यूस करके कि नया ऑर्गेनिज्म बना देते हैं। अब इस किसमें बना देते हैं, इसका एग्जांपल है स्पंज। स्पंज के अंदर हमें जेब्यूल देखने को मिलती है, स्पंज का फिगर आप देखिए ऐसा होता है ना, स्पंज, ये स्पंज का तो नहीं, ये स्पंज है, और इसके अंदर ऐसे ऐसे पोर्स पाए जाते हैं, तो ये पोर्स होते हैं और ये ऊपर का होता है, तो ऐसे स्पंज है। अब स्पंज को जो हमने ये स्क्रैच करके देखा है, तो ये ऐसे इसके अंदर दिखाई पड़ा, ये बड्स बन जाती है। तो जेब्यूल्स याद रखिएगा किसमें होती है, स्पंज में होती है, और ये इंटरनल बडिंग का एग्जांपल है। जेब्यूल्स आर स्पेशल सेल्स टू प्रोड्यूस न्यू स्पंजेस। अब एक चीज और एनसीईआरटी में देखिए बना है, ये इसके बाहर कुछ इस तरह से कुछ ऐसे नुकीले से स्ट्रक्चर बने हैं फिगर में, ये बने ना बेटा, ये क्या करते हैं, ये प्रोटेक्शन का काम करते हैं जेब्यूल्स का, और इनको बोलते हैं स्पिक्यूल्स। स्पिक्यूल्स बोलते हैं, ये जेब्यूल्स का प्रोटेक्शन करते हैं कि जब कहीं ऐसा कुछ हो जाए, इस पर दुर्घटना में फंस जाए किसी, तो स्पिक्यूल्स इनको जेब्यूल्स को बचाए रखने का काम करते हैं, और ये
कंडीशन जब अच्छी आती है तो ये नई सेल का जर्मिनेशन करते हैं। बना लीजिए इस डायग्राम को, बना लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेटा इसको बेटा एक चीज और नोट कर लीजिए, जो स्पिक्यूल्स होते हैं बेटा कभी क्वेश्चन बन सकता है, स्पिक्यूल जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं या सिलिकॉन के बने होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं या सिलिकॉन के बने होते हैं, प्रोटेक्शन का काम करते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं तीसरे स्पोरुलेशन पर। स्पोरुलेशन क्या चीज है? कभी कभी बेटा क्या हुआ स्पोरुलेशन में कि जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स बाय स्पोर्स, जब स्पोर्स के कारण एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो उसको हम स्पोरुलेशन बोलते हैं। और स्पोर्स के बारे में बता दें, दीज आर द रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर, ये बहुत ही रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर होते हैं और यही स्पोर जर्मिनेट करके नया ऑर्गेनिज्म बना देते हैं। इसका भी एग्जाम्पल है अमीबा में देखने को मिलता है स्पोरुलेशन, और वहां पर स्पोर्स बनते हैं। एक चीज और, अभी आपने बाइनरी फिजन पढ़ा था, बाइनरी फिजन में जब एक इंडिविजुअल दो भागों में बंटता है, बाइनरी फिजन जब क्या होता है, अमीबा कभी ऐसी परिस्थिति में फंस गया, मान लीजिए कहीं कुछ ऐसे जगह में फंस गया जहां पर वो बाइनरी फिजन ना कर पाए, तो वो क्या करता है अपने चारों एक वाल का फॉर्मेशन कर देता है, थ्री लेयर की वाल बना देता है, ये अमीबा है जैसे, और इसने क्या किया अपने चारों ओर थ्री लेयर वाल का फॉर्मेशन कर दिया इसने, ठीक है। और ये क्या हुआ, इस थ्री लेयर वाल को सिस्ट बोलते हैं, ये सिस्ट का फॉर्मेशन कर लेता है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं एनसिस्टेशन, एनसिस्टेशन। अब इसके अंदर का जो साइटोप्लाज्म है बेटा वो डिवाइड होकर के कई सारे स्पोर्स बना देता है, यानी कि यहां पर फिजन दो बार नहीं हुआ, जहां पर मल्टी फिजन देखने को मिला हमें स्पोरुलेशन की प्रोसेस में, अमीबा के अंदर हमें मल्टीपल फिजन देखने को मिला, और ये जो स्पोर्स बने अमीबा के अंदर ये कहलाए स्यूडोपोडियो स्पोर्स, यानी जब फेवरेबल सही नहीं है कंडीशन, अनफेवरेबल कंडीशन में अमीबा ने अपने चारों ओर सिस्ट का फॉर्मेशन कर लिया और साइटोप्लाज्म को डिवाइड करके मल्टीपल स्पोर्स बना लिए, जिनको कहा गया स्यूडोपोडियो स्पोर्स। अब ये स्यूडोपोडियो स्पोर्स जब इनको प्रॉपर कंडीशन मिलती है तो ये सिस्ट जो है ब्रेक हो जाती है और ये स्यूडोपोडियो स्पोर्स जो है ये नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर देते हैं, न्यू अमीबा बना देते हैं। तो ये प्रोसेस हो गई स्पोरुलेशन की। तो स्पोरुलेशन जो है क्या होता है, स्यूडो स्पोरुडियो स्पोर्स डेवलप इनटू न्यू अमीबी, ये स्पोरुलेशन में हमें देखने को मिलता है। आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा जू स्पोर्स की। एक चीज और, जू स्पोर क्या होते हैं, एनसीईआरटी में देखिए इसका एक फिगर बना रखा है, ये जब हम फंजाई पढ़ाएंगे तो बहुत अच्छे से डिटेल में समझेंगे। ये देखिए ऐसे जू स्पोर बने हुए हैं, है ना, डायग्राम में ऐसे जू स्पोर बने हुए हैं, और जू स्पोर जिनके अंदर बनते हैं उसको कहते हैं जू स्पोरेंजियम। जू स्पोरेंजियम में ये बने जू स्पोर। अब जू स्पोर क्या होते हैं, पहली चीज ये मोटाइल होते हैं बेटा, थिन होते हैं, फ्लैजलेटेड स्ट्रक्चर होते हैं, और ये क्या करते हैं नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करते हैं। ये भी एक टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जू स्पोर के द्वारा भी नए ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन होता है। अब इसका एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दे रखा है क्ले माइडोमोनास, ये एक प्रकार की एल्गी है। तो नोट कर लीजिए क्ले माइडोमोनास रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो जू स्पोर के द्वारा होता है। फिर नेक्स्ट आता है कोनिडियो स्पोर्स। अब कोनिडियो स्पोर क्या है, कोनिडिया भी कहते हैं इनको। कोनिडियो स्पोर क्या होता है बेटा, ये भी एक फिगर देखिए एनसीईआरटी में कुछ ऐसा बना है, इस तरह से ये फिगर है और इसके ऊपर ये कोनिडिया लगी है, चेन में सिंगल कोनिडिया पाई जाती है और चेन में भी कोनिडिया पाई जाती है।
ये ऐसे देखिए है ना, ये कहलाते हैं कोनिडिया या कोनिडियो स्पोर। और जिस पर कोनिडिया लगी होती है इसको कोनिडियो फोर कहते हैं। ये कोनिडिया भी कैपेबल होती है न्यू इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करने में। अब कोनिडियो स्पोर का एग्जांपल क्या है, ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक तरीका है। कोनिडियो फोर पे कोनिडिया बनती है, गेट सेपरेटेड एंड जर्मिनेट टू न्यू ऑर्गेनिज्म। इसका एग्जांपल ये फंजाई में देखने को मिलती है, फंगस में। और फंजाई का जो एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में दे रखा है वो होता है, वो है पेनिसिलियम। तो आप याद रखिएगा पेनिसिलियम। जू स्पोर एल्गी का एग्जांपल है, वहां पर क्लेमाइडोमोनास है, जबकि पेनिसिलियम किसका है, ओनिडियो स्पोर का एग्जांपल, और पेनिसिलियम एक फंगस है। नेक्स्ट आते हैं हम फ्रेगमेंटेशन पर। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है बेटा, कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें फ्रेगमेंट्स का मतलब कोई पार्ट, फ्रेगमेंटेशन। ये हमें हाइड्रा में देखने को मिलता है, एनसीईआरटी में हाइड्रा का एग्जांपल दे रखा है। बॉडी क्या होती है, ब्रेक्स इनटू स्मॉल पीसेस। जैसे ये हाइड्रा है, सपोज करिए ये हाइड्रा है और ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया, और प्रत्येक टुकड़ा ये एक फ्रेगमेंट कहलाता है, और यही फ्रेगमेंट जो है न्यू इंडिविजुअल को प्रोड्यूस कर देता है, तो फ्रेगमेंटेशन कहलाता है प्रोसेस। ठीक है, एडल्ट में बदल जाता है इस फ्रेगमेंट। तो अब ये इस, अब दोनों चीजें स्पोरुलेशन जैसे हमने बताया और फ्रेगमेंटेशन, तो ऐसी प्रोसेस है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो यहां पर चैप्टर में स्टार्टिंग में नहीं दे रखी है, लेकिन एनसीईआरटी ने सप्लीमेंट्री मटेरियल एक दे रखा है लास्ट में। आप एनसीईआरटी के बिल्कुल लास्ट में देख के जाइए, बिल्कुल लास्ट में मैं देखता हूं। तो वहां पर क्या है, स्पोरुलेशन भी दे रखा और फ्रेगमेंटेशन भी दे रखा, तो दोनों क्वेश्चन यही को मैंने कवर कर दिए हैं, और ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी आ सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की। कंफ्यूज मत होइएगा, फ्रेगमेंटेशन और स्पोरुलेशन ये हमने बाहर से नहीं पढ़ाया है, आपके एनसीईआरटी में लास्ट में सप्लीमेंट्री मटेरियल के नाम से कुछ पन्ने लगा रखे हैं जिसमें स्पोरुलेशन दे रखा है और फ्रेगमेंटेशन दे रखा है। अब आते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की बात। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन ये भी एक प्रकार का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या होता है इसमें, अब वेजिटेटिव क्या मान लीजिए बेटा, समझने की कोशिश करते, ये प्लांट है, ये प्लांट है, और प्लांट का कोई पार्ट एक टूट गया, मान लीजिए ये पार्ट एक टूट गया और ये ग्राउंड पर जमीन पर ये ग्राउंड बना दिया, फिर यही पार्ट, अब ये जो टूट के ये प्लांट्स के वेजिटेटिव पार्ट कहलाते हैं, और यही क्या करते हैं, फेवरेबल कंडीशन आने पर नया प्लांट बना देते हैं, न्यू प्लांट का, न्यू प्लांट प्रोड्यूस करते हैं। तो ये प्रोसेस कहलाती है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। प्रोपेगेशन का मतलब होता है अपनी संख्या को बढ़ाना, वेजिटेटिव पार्ट से नया प्लांट प्रोड्यूस करना, ये प्लांट के केस में देखा जाता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अब प्लांट्स के कौन से पार्ट, ये पार्ट जो टूट के हमने बताया ना, ब्रेक करके अलग हो गए, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल कहलाया। ये आपके स्टेम भी हो सकते हैं, लीफ भी हो सकती है और रूट भी हो सकती है, यानी स्टेम से भी नया प्लांट बन जाएगा, लीफ से भी नया प्लांट बन सकता है और रूट से भी नया प्लांट बन सकता है। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के अंदर रूट, स्टेम और लीफ तीनों इन्वॉल्व होते हैं। अब एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। नाउ वी डिस्कस अबाउट स्टेम। हम स्टेम पर आते हैं कि स्टेम से कैसे नया प्लांट्स बनता है। तो स्टेम से कैसे नया प्लांट्स बनता है, ये हो गया स्टेम की हम बात करते हैं। स्टेम है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में स्टेम को देते हैं हम पहले बेटा, और स्टेम में अगर हम देखते हैं तो स्टेम को भी हम और अच्छे से समझने के लिए क्लासिफाई कर देते हैं। पहले हम ले लेते हैं अंडरग्राउंड स्टेम,
अंडरग्राउंड सिस्टम, इससे जो है नया प्लांट प्रोड्यूस होता है। दूसरा बेटा क्या है, सब एरियल स्टेम, सब एरियल स्टेम, ये भी स्टेम होते हैं और इनसे भी नया प्लांट प्रोड्यूस होता है। तीसरे की बात करें हम तो एरियल स्टेम, एरियल स्टेम, तो तीन तरह से स्टेम को हमने डिवाइड किया, अंडरग्राउंड स्टेम, सब एरियल स्टेम और एरियल स्टेम। अब हम बात करते हैं सबसे पहले अंडरग्राउंड स्टेम की, तो अंडरग्राउंड स्टेम में इसको भी हम समझने के लिए डिवाइड कर लेते हैं चार भागों में। अंडरग्राउंड स्टेम जो है बेटा चार प्रकार के देखने को मिलते हैं। ये क्या होता है, पहला ट्यूबर, ट्यूबर होता है, दूसरा होता है राइजोम, दिख रहा है बेटा ट्यूबर राइजोम बल्ब और कॉर्म, ये होते हैं ट्यूबर राइजोम बल्ब और कॉर्म होते हैं। ये क्या है, ये अंडरग्राउंड स्टेम है। अब इसके अंदर जो सब एरियल स्टेम है, सब एरियल स्टेम को अगर हम डिवाइड करते हैं तो सब एरियल स्टेम के अंदर जो है आते हैं सकल, रनर और ऑफसेट, ठीक है ना बेटा, सकल, रनर और ऑफसेट, ये तीन आते हैं। एरियल स्टेम में क्या होता है, एरियल स्टेम में आता है बल्ब। तो इस तरह से ये हम देखते हैं कि ऐसे ही क्लासिफिकेशन करते हैं स्टेम का। आज का लेक्चर बस इतना ही, नेक्स्ट हम इसको डिटेल से बात करेंगे अंडरग्राउंड स्टेम की, जिसमें हम बात करेंगे ट्यूबर की, राइजोम की, बल्ब की, कॉर्क की, सकल क्या होते हैं, रनर क्या होते हैं, ऑफसेट क्या होते हैं और बल्ब क्या होते हैं। आज का